Hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं iPhone 14 Pro Max के कैमरास को Samsung Galaxy S23 Ultra के कैमरास से। भाई ये आज की डेट में सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स हो जाते हैं दोनों के दोनों। तो चलो इस वाले वीडियो में कंपेयर करते हैं दोनों ही कैमरास को और इसके सारे लेंसेज को इन डेप्थ में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअल में इसका रिजल्ट निकलता है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई इस वाले वीडियो को बनाने में मुझे एक हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम लग चुका है। मेरी पूरी की पूरी टीम सिर्फ इस वाले वीडियो कंपैरिजन के ऊपर लगी हुई है। सो हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, कोशिश की है कि आपको एकदम रियलिस्टिक जो भी हमारे रिजल्ट्स मिले हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से छोड़ देना। तो चलो अब बढ़ते हैं सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जो की है इसका लो लाइट। तो भाई सबसे पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों के प्राइमरी कैमरास को एंड मैंने कुछ फोटोज इन दोनों ही फोन से एक साथ ली अपने स्टूडियो में। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमको देखने को मिले वो कुछ इस टाइप से थे। यहाँ पे सबसे पहले हमने सोनी की हेडफोन को कैप्चर करा एंड इसके बाद हमारे पास एक फोर व्हीलर है उसको हमने कैप्चर करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं सैमसंग के फोन में यानी कि सैमसंग S23 अल्ट्रा में, उसने काफी अच्छे तरीके से इन कलर्स को कैप्चर किया है। यानी कि जो लाइट ब्राइट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको काफी अच्छे तरीके से उभरते हुए इसमें देखने को मिल रहे हैं। एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि सैमसंग के जो फोटोज हैं उसमें आपको सैचुरेशन हल्का सा ज्यादा देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको कलर्स काफी हाईलाइटेड देखने को मिल जाते हैं। वही दूसरी तरफ आईफोन 14 प्रो मैक्स में आप देख सकते हो कि भाई इसमें जो कलर एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा है। ऑल्सो इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हो, सैमसंग S23 अल्ट्रा जिस चीज के ऊपर भी फोकस करता है उसको काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उसमें इतनी ज्यादा डिटेलिंग्स आपको देखने को नहीं मिलती है। बट एट द सेम टाइम आईफोन 14 प्रो मैक्स की इमेज देखो, जो मेरी टेबल है वो थोड़ी सी गंदी सी थी एंड वहां पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से जो भी वहां पे टेबल की डिटेल्स थी उसको भी काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है आईफोन 14 प्रो मैक्स ने। ऑल्सो यहाँ पे आप शेडोज भी देख सकते हो, काफी बेहतर तरीके से आईफोन 14 प्रो मैक्स ने इसको कैप्चर किया है। सेम अगर अपन हेडफोन वाली इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी आप हेडफोन का कलर देख सकते हो, सैमसंग ने इसको काफी प्रोफेशनल वे में किया। मतलब कि भाई इस वाले फोटो को आप डायरेक्टली कहीं पे भी आप डाल सकते हो, हल्की सी भी अगर आपने इसमें एडिटिंग करी तो ये एकदम फिट एंड फाइन हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स के इमेज को आप देख सकते हो, उसने पूरे के पूरे ही फोटो को काफी अच्छे तरीके से डिटेल वे में दिया हुआ है एंड सैमसंग ने जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करी हुई है। सेम यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो रूबिक क्यूब है इसको कितने अच्छे तरीके से कैप्चर किया है S23 अल्ट्रा ने, जो भी कलर्स वगैरह हैं वो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड ये जो फोटो है ये रेडी टू अपलोड लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन 14 प्रो मैक्स ने काफी अच्छे तरीके से डिटेल्स को कैप्चर किया हुआ है। ये वाली जो चीज है ये मैंने लगभग लगभग हर फोटो के साथ फेस करी है, ऑलमोस्ट हर मोड में ये वाला डिफरेंस आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाता है। अब इस लॉजिटेक कीबोर्ड को देखो, यहाँ पे भी जो सैमसंग ने फोटो क्लिक करी है इस कीबोर्ड की वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ऐसा डार्क शेडोज नहीं दिख रही है, वहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स में आप देखो एकदम हल्का सा धुंधला धुंधला टाइप का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स ने ज्यादा रियलिस्टिक फोटो क्लिक करी है, यानी कि जब मैं फोटो क्लिक कर रहा था तो भाई ये ऐसा ही दिख रहा था। ऑन द अदर हैंड आप सैमसंग की फोटोज देख सकते हो, यहाँ पे उसने काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है एंड एक रिच इमेज प्रोवाइड करी है। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि भाई जब भी ब्राइटनेस की बात आती है, जब भी थोड़ा भी आप ज्यादा लाइट प्रोवाइड करते हो तो भाई आईफोन की जो इमेजेस है ना ये काफी ज्यादा एकदम ओवर एक्सपोज हो जाती है, वहीं सैमसंग इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डिटेल्स इसने प्रोवाइड करी हुई हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ सामने को रहता है एंड इसके पीछे की तरफ से अगर आप लाइट प्रोवाइड करते हो एंड कोई भी आप फोटो क्लिक करते हो तो सैमसंग बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि आपको जो डायनामिक रेंज मिलती है वो सैमसंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। और आईफोन के साथ दिक्कत ये कि कभी कभी ये ओवर एक्सपोज हो जाता है, कभी ये अंडर एक्सपोज हो जाता है, तो ये इसके साथ एक हल्की सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वाली इमेज में तो सीरियसली S23 अल्ट्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे आप छोटी छोटी डिटेल्स भी देख सकते हो कितने सही तरीके से मैनेज की है इसने। यहाँ पे मैं कुछ और सैंपल्स दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको हल्का फुल्का आइडिया हो सके कि किस लेवल का काम करता है। एंड अब ये वाली इमेज देखो आप, ये मेरे इस वाले बैकग्राउंड की इमेज है। हमने बेसिकली कोशिश करी है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज लें ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके। एंड ये वाली जो इमेज है ये अल्ट्रा वाइड एंगल से फोटो क्लिक किया हुआ है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल में S23 अल्ट्रा के साथ एक मुझे इशू लगा कि ये जो चीजों को है ना वो हल्का सा ओवर एक्सपोज कर देता है। यहाँ पे आप इस बल्ब को देख सकते हो, यहाँ पे भी जो हल्की सी भी लाइट अगर आ रही है वहां से तो उसने ओवर एक्सपोज कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे मैंने थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप टाइप का बनाया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन 14 प्रो मैक्स ने काफी एक डिसेंट फोटो क्लिक करी है लेकिन वहीं S23 अल्ट्रा ने हल्का फुल्का ओवर एक्सपोज कर दिया है। हाँ डिटेल्स काफी अच्छी प्रोवाइड करी है लेकिन कहीं ना कहीं इसको ओवर एक्सपोज कर दिया है, उस वजह से थोड़ा सा ये पिक जो है ये अजीब सी दिख रही है। तो अगर अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो अल्ट्रा वाइड डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो मैक्स का ज्यादा बेटर है। इस वाली इमेज में भी आप देख सकते हो स्टूडियो में मैं थोड़ी बहुत भी अगर लाइट से छेड़छाड़ करता हूँ, थोड़ी भी लाइट एक्स्ट्रा हो जाती है तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस तो भाई एकदम खराब कर देता है उस इमेज
इमेज को S23 अल्ट्रा का, वहीं iPhone 14 Pro Max काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। एंड इस हेडफोन वाली इमेज में भी आप देख सकते हो कि ये डिटेलिंग वाला जो इशू है ये यहाँ पे भी हो रहा है। पीछे जो डेस्क की मेल है वो iPhone 14 Pro Max ने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर की है, वहीं S23 अल्ट्रा यहाँ पे लैग कर जाता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो जब भी एक इसको मैक्रो मोड में अगर आप फोटोज क्लिक करना चाहते हो या फिर एकदम पास से किसी ऑब्जेक्ट का क्लिक करते हो तो आप ये देख सकते हो कि भाई सैमसंग ना डिटेल्स काफी अच्छी कैप्चर करता है जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो फोकस करता है। लेकिन इसके अलावा जो पीछे अगर आप देखते हो तो जो भी बैकग्राउंड में वो उसको एकदम खत्म सा कर देता है, वहाँ पे आपकी डिटेल्स एकदम खत्म सी हो जाती है। बट वहीं iPhone 14 Pro Max ने देखो कितनी शानदार पिक क्लिक की है, जो डिटेल्स है वो उसने काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करी है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आउटडोर की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम सन के सामने जाके फोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली S23 अल्ट्रा विनर हो जाता है, क्योंकि ये जिस लेवल की आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप ऊपर तीन क्लिप्स देख सकते हो, इसमें आपको iPhone 14 Pro Max ने तो बिल्कुल एकदम ब्लैक सा कर दिया है, लेकिन S23 अल्ट्रा में यहाँ पे आप हल्के से इसके कलर्स देख सकते हो कि कौन से कलर्स के हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कलर्स काफी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है S23 अल्ट्रा, लेकिन वहीं iPhone 14 Pro Max जितना हो सके उसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश करता है। ओवरऑल मैं बताऊं तो मुझे S23 अल्ट्रा की इमेज थोड़ी सी ज्यादा बेटर लग रही है, iPhone 14 Pro Max में हल्का सा कंट्रास्ट मुझे ज्यादा लग रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप एक पिक्चर को देखते हो तो S23 अल्ट्रा काफी अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। बाकी अगर कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो भाई 14 Pro Max डेफिनेटली आगे निकल जाता है। तो चलो अब कंपेयर करते हैं इनका 3x वाला जो लेंस है उसको, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो कि किस लेवल का आपको आउटपुट मिलेगा। अब ये जो 3x का लेंस था ना, ये भाई दोनों का बहुत एकदम अलग अलग सा था। अब इस वाली इमेज को आप देख सकते हो, अगर इसमें मैं एक्सपोजर की बात करूं तो iPhone 14 Pro Max ने काफी अच्छे तरीके से उसका एक्सपोजर मैनेज किया है, लेकिन वहीं S23 अल्ट्रा ने तो भाई एकदम ब्राइट सा कर दिया है, काफी ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा दिया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिटेल्स कैप्चर करी है वो काफी बेहतरीन करी है दोनों के दोनों फोन्स ने। अब इस नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि दोनों ने ही काफी बेहतरीन काम किया हुआ है। एंड इस तीसरी इमेज में आप देखो तो भाई डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि यहाँ पे दोनों एकदम हेड टू हेड है, इसमें कभी कोई एकदम बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है एंड कभी दूसरा कोई बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों के जो टेलीफोटो वाले लेंस है ये बहुत बेहतरीन है, बस ये लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। अब बढ़ते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड की तरफ, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पे अब आप देख सकते हो iPhone 14 Pro Max एंड S23 अल्ट्रा ने कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड क्लिक किया हुआ है, एंड सन जो है यानी कि जो लाइट आ रही है ये पीछे से आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे S23 अल्ट्रा बीट कर देता है iPhone 14 Pro Max को। जिस लेवल का ये ओवरऑल डायनामिक रेंज प्रोवाइड कर रहा है, जिस लेवल का आपको ये ओवरऑल आउटपुट दे रहा है, वो काफी बेहतरीन है। एंड यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हो, यहाँ पे भी S23 अल्ट्रा क्लियरली विनर हो जाता है। चाहे अगर एज डिटेक्शन की बात करूं तो एज डिटेक्शन में भी S23 अल्ट्रा काफी बेटर है। यहाँ पे बोके इफेक्ट आपको iPhone 14 Pro Max में थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन वो मैंने सेटिंग्स में ही ऐसा किया हुआ था, चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, तो उसकी ऐसा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको जूम करते हो तो जो बोके इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको हल्की फुल्की एरर्स दिखेंगी उनकी एजेस में, वहीं S23 अल्ट्रा का जो एज डिटेक्शन है वो काफी बेटर है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि S23 अल्ट्रा ने बहुत कमाल के फोटोज क्लिक करे हुए हैं, लेकिन वहीं iPhone 14 Pro Max ने जो डिटेल्स है वो काफी अच्छी प्रोवाइड करी है। देखो मैं डिटेल्स की बात इसीलिए कर रहा हूँ, देखो जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रहते हैं ना भाई, उनको चाहिए रहती है एकदम रॉ में इमेज। हालांकि हम रॉ के भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कलर एक्यूरेसी की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है भाई, उनको जितनी ज्यादा रॉ इमेज मिलेगी वो उतना ज्यादा उसको एडिट कर सकते हैं। बाय चांस अगर आप इन दोनों फोटोज में से देखोगे तो भाई iPhone 14 Pro Max की जो इमेज है इसमें आप काफी हद तक चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वहीं S23 अल्ट्रा की जो इमेज है ये ऑलरेडी इन्होंने इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज करके दी है कि उसको अगर आप थोड़ी भी छेड़छाड़ करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। भाई डेफिनेटली S23 अल्ट्रा ने बहुत अच्छी इमेज क्लिक करी है, यहाँ पे जो आपको एज डिटेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो ओवरऑल आपको इमेज निकल के आ रही है वो काफी बेहतरीन है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि भाई फोटो क्लिक करके सिर्फ डालना चाहता है इंस्टाग्राम पे या फिर जहाँ कहीं पे भी आप फोटो डालते हो, तो भाई S23 अल्ट्रा बहुत कमाल की डील हो जाती है। वहीं iPhone 14 Pro Max से आप इमेज तो क्लिक कर लोगे लेकिन इसको आपको एडिट करना पड़ेगा, तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना। एंड यहाँ पे सिर्फ एक इमेज में नहीं, ये मुझे बहुत सारी इमेजेस में ऐसा फील हुआ। और इस वाली इमेज में आप देख सकते हो यहाँ से जो लाइट आ रही है ये एग्जैक्टली मेरे पीछे से आ रही है। इसके पहले जो ये वाली फोटो थी इसमें राइट साइड से लाइट आ रही थी, लेकिन अब इस वाले फोटो में आप देख सकते हो इसमें एकदम पीछे से लाइट आ रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone 14 Pro Max ने एकदम मेरे को जो है वो एकदम डल कर दिया है, लेकिन वहीं S23 अल्ट्रा ने काफी अच्छे तरीके से उसको कैप्चर करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर इमेज की बात करूं, अच्छी इमेज की बात करूं, तो वो ज्यादा बेटर iPhone 14 Pro Max की है। लेकिन S23 अल्ट्रा ने जिस तरीके से इसको फेस को मैनेज किया है, जिस तरीके से कलर्स को मैनेज किया है, इतना अंधेरा होने के बाद भी जो स्किन का टोन प्रोवाइड किया है वो काफी अच्छा है। मैं बोलूंगा कि इस वजह से ही मैं ये सैमसंग का फोन जो है वो ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में हो S23 अल्ट्रा
बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके आपको एक बेस्ट इमेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अब इस वाली इमेज में भी आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग जो थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन इसके बाद भी S23 अल्ट्रा ने काफी उसको एकदम ब्राइट सा कर दिया एंड iPhone 14 Pro Max ने जितना हो सका उतनी ज्यादा रियलिस्टिक इमेज प्रोवाइड करी है। अब इसके बाद हमने कुछ आउटडोर शॉट्स लिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जिस लेवल की आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा S23 अल्ट्रा, मैं बता रहा हूँ ना एकदम उसका फोटो क्लिक करके आप डाल सकते हो, कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पीछे कलर्स आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से मैनेज करता है। वहीं 14 Pro Max जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भाई ये कलर एक्यूरेसी में ज्यादा ध्यान देते हैं एंड डिटेल्स की बात करूं तो दोनों बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे थॉर का भी फोटो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ने ही बहुत अच्छे तरीके से इमेज क्लिक करी हुई है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना इन दोनों का जूम टेस्ट भी किया बिकॉज S23 अल्ट्रा भाई जूम के लिए ही जाना जाता है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जूम करके भी देखा। तो ये पहली इमेज थी जो कि हमने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से क्लिक करी, इसके बाद इसको थोड़ा सा और जूम करा, इसके बाद हम गए इन दोनों की मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये टंकी के अंदर जो धागा लगा हुआ ये भी S23 अल्ट्रा आपको दिखा रहा है, तो डेफिनेटली जूम के मामले में S23 अल्ट्रा ऑलरेडी बेस्ट हो जाता है। अब ये रहा इन दोनों का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, यहाँ पे देख सकते हो दोनों ने डिटेल्स काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करी है एंड अगर आपको दिख रहा हूं तो मैं वहां पे पीछे खड़ा हुआ हूं। अब मैं इन दोनों ही फोन से एकदम फुल जूम करके आपको दिखाऊंगा कि इसका जूम का पावर कितना है एंड ये रहा iPhone 14 Pro Max ने एक डिसेंट जूम दिया। इस चीज का ध्यान रखना कि भाई ये एकदम फुली जूम करके आपको एकदम HD इमेज प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको डिटेल्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी, सिर्फ ये है कि 100x तक जूम करके आप इमेज क्लिक कर सकते हो, बाकी अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आप एक अच्छी इमेज क्लिक कर सकते हो। भाई अब बात कर लेते हैं इन दोनों के रॉ इमेजेस को, यानी कि S23 अल्ट्रा जो कि 200 मेगापिक्सल के फोटो क्लिक कर सकता है एंड iPhone 14 Pro Max जो कि 48 मेगापिक्सल के फोटो क्लिक कर सकता है, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लेते हैं साइड बाय साइड। यहाँ पे पहली इमेज देख सकते हो आप जिसमें भाई डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे तरीके से दोनों ने ही कैप्चर करी है एंड मैं बोल सकता हूँ कि कलर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी खासी दोनों में ही मिल जाती है एंड ओवरऑल डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है दोनों ने ही एंड मैंने इनकी दोनों तीनों लेंसेज से करी। लेकिन अब इस वाली इमेज को आप देखो ये दोनों की दोनों जो इमेजेस हैं ये रॉ इमेजेस हैं एंड अब हम करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा जूम। तो यहाँ पे आप जो टेक्सचर देख रहे हो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है जो सैमसंग ने, इसको हल्का सा इसका जो सैचुरेशन है हल्का सा बढ़ा दिया है, वहीं iPhone 14 Pro Max ने इसको जितना हो सके उसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिटेल्स हैं वो दोनों ने ही बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करी है, लेकिन सेम चीज जो कि मैंने पहले भी आपको बोली है जिस चीज पे सैमसंग का कैमरा एकदम फोकस करता है उसकी डिटेल काफी अच्छी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हल्की सी भी आप पीछे जाते हो तो उसकी डिटेल नहीं मिलती है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो कि भाई जो पीछे वाला झाड़ है यानी कि पीछे वाला जो पेड़ है उसकी डिटेल्स एप्पल ने काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करी है, वहीं S23 अल्ट्रा वहां पे हल्का सा लैग कर गया है। तो भाई अगर आपको एक बड़े से किसी एरिया की फोटो क्लिक करनी है एंड अगर आप चाहते हो कि भाई हर एक चीज की डिटेल जो है वो आपको काफी बेहतरीन मिले, iPhone ज्यादा बेटर अच्छा काम करता है, वहीं S23 अल्ट्रा हल्का सा लैग कर जाता है। अब इसको और अगर हम और ज्यादा जूम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम माइक्रो डिटेल्स, क्योंकि देखो अब इन दोनों ही चीजों के ऊपर फोकस है तो भी मुझे जो दिख रहा है यहाँ से भाई ज्यादा अच्छी जो डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे ये जो छोटे छोटे धागे हैं इनको देख सकते हो, iPhone 14 Pro Max ने बहुत अच्छे से इसको कैप्चर किया है, वहीं S23 अल्ट्रा भाई इसका फोकस एग्जैक्टली कहाँ है ये मुझे हल्का सा समझ में नहीं आ रहा है। भाई डेफिनेटली फोकस हुआ है, बस इसने ना कलर्स के साथ थोड़ी सी जो छेड़छाड़ करी है ना उसकी वजह से यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ये इतनी कैप्चर नहीं हो पा रही है, वहीं 14 Pro Max ने जो रियलिस्टिक कलर्स रखे हुए हैं उसकी वजह से आपको डिटेल्स हल्की सी ज्यादा मिल रही है। तो भाई आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि इन दोनों में से कौन सी इमेज आपको ज्यादा डिटेल वाली लग रही है एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके काम की है जो कि इसको एडिट करना चाहते हैं, एडिट करके जिनको आगे करना है, बाकी अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो भाई आपको इस रॉ इमेज से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टोरेज भरेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला है। और अब फटाफट से बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ क्योंकि भाई वीडियो ही तो बहुत मेन चीज हो जाती है इसमें। भाई ये रहा हमारा iPhone 14 Pro Max एंड ये रहा S23 अल्ट्रा एंड यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 14 Pro Max जो जिस टाइप की डिटेल्स कैप्चर कर रहा है आगे पीछे बहुत सही तरीके से कर रहा है, वहीं S23 अल्ट्रा इसको हल्का सा मैं बोलूंगा कि AI का यूज कर रहा है या फिर जो भी है, जो इमेज है ये इतनी डिटेल्स के साथ नहीं मिल रही है आपको, बाकी ये है कि S23 अल्ट्रा का भी वीडियो जो है ये काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सनलाइट है ये डायरेक्ट पड़ रही है एंड डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे जब पड़ रही है तब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone 14 Pro Max ने हल्का सा इसको ओवर एक्सपोज कर दिया है, लेकिन S23 अल्ट्रा ने इसको काफी अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि S23 अल्ट्रा जो है ना ये स्किन टोन को जिस तरीके से दिखाना चाहिए मतलब काफी अच्छे तरीके से ये कैप्चर करता है एंड भाई एक फोन का काम एक्चुअली वैसा ही होता है कि जस्ट आपने एक वीडियो कैप्चर किया एंड उसको अपलोड कर दिया रेडी टू अपलोड एंड वहीं iPhone का जो वीडियो है इसने डिटेल्स तो काफी अच्छी कैप्चर करी है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको हल्के फुल्के एडिट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं पीछे की तरफ जाता हूँ यानी कि सन मेरे जस्ट पीछे है
है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि S23 अल्ट्रा ने जो फोकस है, जिस तरीके से मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, काफी बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया है। वहीं अगर बात करूं iPhone 14 Pro Max की, तो भाई iPhone 14 Pro Max ने ओवरऑल एक सिनेमैटिक लुक देने का कोशिश करी हुई है। पीछे का आप पीछे घर भी देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसने मैनेज किया है। हाँ, मेरी स्किन जरूर से डल आ रही है, लेकिन भाई जितने भी बड़े प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, आपको पता होगा भाई लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, पता नहीं कितनी चीजों को यूज किया जाता है एकदम परफेक्ट शॉट लेने के लिए। तो भाई ये दोनों के दोनों कैमरास मैं बोलूंगा बहुत बेहतरीन है। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों का सिनेमैटिक मोड, एंड सिनेमैटिक मोड में डेफिनेटली S23 अल्ट्रा जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एज डिटेक्शन मिल रहा है वो कहीं बेटर है 14 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। ओवरऑल आप यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हो, भाई काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है इसने S23 अल्ट्रा ने। और यहाँ पे आप स्किन टोन भी देख सकते हो, S23 अल्ट्रा की जो इमेज है ये काफी सिनेमैटिक सी लग रही है। सिनेमैटिक का मतलब कि भाई कलर्स वगैरह भी आप देख सकते हो कि हल्के से शार्पनेस आपको ज्यादा मिल रही है, कंट्रास्ट ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से S23 अल्ट्रा की जो इमेज है या S23 अल्ट्रा का जो वीडियो है ये ओवरऑल ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा है एज कम्पेयर टू iPhone 14 Pro Max। भाई यहाँ पे भी सेम चीज आती है, अगर वीडियो शूट करके अपलोड करके खत्म करना है तो S23 अल्ट्रा, अगर आपको भाई एडिटिंग वगैरह करनी है, कलर करेक्शन वगैरह करना है, तो उसके लिए iPhone 14 Pro Max ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन एज डिटेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे S23 अल्ट्रा विनर हो जाता है। बाकी हल्का हल्का एज डिटेक्शन का जो दिक्कत है वो दोनों में ही फेस करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि S23 अल्ट्रा भी बहुत तगड़ा है एकदम कैमरे वाली इमेज देखा तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो गाइस चलो अब कर लेते हैं इन दोनों का गिम्बल टेस्ट, यानी कि वो जो एक्शन मोड आपको 14 प्रो मैक्स में मिलता है एंड इसमें आपको अल्ट्रा स्टेबल मोड मिलता है, तो चलो उसको आप कंपेयर कर लेते हैं। भाई यहाँ पे मैं बोलूंगा दोनों ने बहुत कमाल तरीके से काम किया हुआ है, एंड हल्का सा मुझे स्टेबलाइजेशन S23 अल्ट्रा का ज्यादा लगा, बट ये जो डिफरेंस है एकदम माइनर सा, ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ने ही बहुत कमाल तरीके से इसको कैप्चर किया हुआ है, एंड यहाँ पे मैं दोनों को इक्वल मार्क्स देना चाहूंगा इसमें। और भाई अब कर लेते हैं इन दोनों का रॉ टेस्ट, यानी कि इस वाले वीडियो में हमने सैमसंग में 8K में रिकॉर्ड किया है, एंड वहीं जो iPhone 14 Pro Max है उसमें हमने प्रो रेस में रिकॉर्ड किया है। तो चलो देखते हैं हमको क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई दोनों ही बहुत कमाल तरीके से जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ये दोनों के दोनों कैमरास बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं। यहाँ पे मैं इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पा रहा हूँ दोनों के दोनों फोन्स में। हाँ, बाकी अगर 8K की बात करूं तो भाई 4K से जस्ट 2 गुना होता है, यानी कि उसमें 4 गुना ज्यादा पिक्सल्स होते हैं। भाई ये अगर 1080p है तो ये 4K है एंड ये है 8K, तो आप समझ सकते हो उस चीज को कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है 8K की क्वालिटी में। लेकिन 8K का एक्चुअल मजा देखने के लिए आपको 8K वाली टीवी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो हमारे घरों में 4K की टीवी है, एंड उसमें अगर आप दोनों ही वीडियोस को चलाओगे तो दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड मैं दोनों के दोनों को एकदम बरोबर बोलना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ने ही बहुत कमाल का काम किया हुआ है इसमें। अब इसके अलावा अगर स्लो मोशन की बात करूं तो भाई स्लो मोशन में S23 अल्ट्रा विनर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अल्ट्रा स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल स्लो मोशन भी आपको iPhone के कंपैरिजन में ज्यादा स्लो देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली S23 अल्ट्रा वहां पे विनर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ फ्रंट के फोटोज आपको चला के दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि फ्रंट में आपको किस लेवल की फोटोग्राफी मिलेगी। भाई ये S23 अल्ट्रा जो कि रिकॉर्ड कर रहा है 4K 60fps पे, वही ये iPhone 14 Pro Max जो कि रिकॉर्ड कर रहा है 4K 60fps पे। तो ये दोनों के फ्रंट कैमराज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई किस लेवल का आउट आपको देखने को मिलेगा। मुझे नीचे कमेंट पे बताओ कि कौन सा आपको ज्यादा बेटर लग रहा है। अब ये इन दोनों के बैक कैमराज, मेरे लेफ्ट में है iPhone 14 Pro Max, मेरे राइट में है S23 अल्ट्रा। तो मुझे बताओ ज्यादा बेटर किसका लग रहा है, एंड कौन सा फोन आपको स्टूडियो लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई अब बारी आती है इन दोनों के कंक्लूजन की, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देखो दोनों के दोनों कैमराज है वो काफी ज्यादा हाई एंड कैमरास हैं, एंड अभी तक के किसी भी स्मार्टफोन के दी बेस्ट कैमरास हैं। तो डेफिनेटली दोनों में जो आपको क्वालिटी मिलने वाली है वो एक नंबर ही मिलने वाली है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि भाई देखो अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर एडिटिंग वगैरह नहीं करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा S23 अल्ट्रा की तरफ जाओ, यहाँ पे ज्यादा बेटर कैमरा मिलने वाला है आपको। वहीं अगर आपके पास एडिटिंग स्किल्स हैं एंड अगर एडिटिंग वगैरह जानते हो, करना चाहते हो, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा iPhone 14 Pro Max की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाते हैं, काफी अच्छे तरीके से आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। Also, उस केस में कंटेंट क्रिएशन के केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि 14 Pro Max की तरफ जाओ, वो आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट्स बताओ कि दोनों में से कौन सा कैमरा आप खरीदना चाहोगे, कौन सा ज्यादा बेटर लगा आपको। और अगर आप चाहते हो S23 अल्ट्रा का मैं पिक्सल के साथ या फिर OnePlus 11 के साथ कंपैरिजन बनाऊं या फिर iPhone 14 Pro Max के साथ कंपैरिजन बनाऊं, तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट कंपैरिजन आप कौन सा चाहते हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, दैट बेल आइकन, ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।